दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप 4,534 करोड़, करेंट प्राइस 1,508 रुपये पर, 52वीं का हाई लो 1,867 और 1,111, स्टॉक पी 39.9, बुक वैल्यू 487 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.33%, ROCE 13.2%, ROE 10.6%, फेस वैल्यू 2 रुपया। तो जैसा कि चार्ट में दिख रहा होगा, अभी मेरे आइडिया अनुसार कंसोलिडेट करेगा। प्रोज कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, यानी कि डेब्ट को कम कर रही है कंपनी, और कॉन्स कुछ भी नहीं है। इसे जाहिर होता है कि कंपनी अभी के समय के लिए बेटर है और इसका 6 कंपनी जो कि पियर कंपैरिजन में है, मफतलाल इंडस्ट्रीज, रूबी मिल्स, लॉयल टेक्सटाइल, लक्ष्मी मिल्स, JCT, क्वार्टरली रिजल्ट 531 करोड़, जून 2023 का 521 करोड़ का सेल्स, 487 करोड़ का एक्सपेंस, 34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ था, अभी 2 करोड़ हुआ, इंटरेस्ट 5 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 6 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 करोड़ का, टैक्स पेड किया 25%, नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का और EPS 6.09 रुपये, जो कि पिछले क्वार्टर में 10.86 रुपये था। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा कंपनी का इमेज डाउन में आया है, यानी कि प्रॉफिट डाउन में आया है। प्रॉफिट एंड लॉस TTM लास्ट 12 मंथ का 2,325 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस 2,146 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 178 करोड़ का, अदर इनकम 18 करोड़, इंटरेस्ट 18 करोड़, डिप्रिसिएशन 20 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 153 करोड़, नेट प्रॉफिट 114 करोड़, EPS 37.76 रुपये। इसको अगर देखें तो कंपनी अभी गुड है, शेयर कैपिटल 6 करोड़, रिजर्व्स 1,457 करोड़, ब्रोइंग 231 करोड़, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट समझिए तो डेब्ट फ्री है मेरे हिसाब से। अदर लाइबिलिटीज 391 करोड़ का, टोटल लाइबिलिटीज 2,085 करोड़, फिक्सेड एसेट यानी कि जिससे इनकम होता है 284 करोड़ का, 284 करोड़, इन्वेस्टमेंट 104 करोड़ का, अदर एसेट 1,648 करोड़ का, टोटल एसेट 2,085 करोड़ का। तो बढ़ ही रही है कंपनी का एसेट, और इस डाटा को देखने से तो समझ में आ रहा है कि कंपनी अच्छा ही कर रही है, अच्छा क्या, बेटर कर रही है। कैश फ्लो माइनस में है 25 करोड़ का, ये थोड़ा बैड है इसके लिए, बट कंपनी बहुत बड़ी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में 74.19%, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि यही इस कंपनी का खासियत है मेन मेरे हिसाब से। तो FIs के पास में, टूथ के पास में 8.96%, पब्लिक के पास में है
14.67%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 88,239, यानी कि 88,239% के पास में इसका शेयर है सितंबर 2022 के अनुसार। और इसमें न्यूज पुराना ही है, करंट न्यूज कुछ खास है नहीं, पुराना न्यूज। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन रिगार्डिंग 28th एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1505 रुपये पर ट्रेड कर रही है। आज के डेट में और ज़रा इस तरफ ध्यान देंगे तो इसके बारे में लक्स इंडस्ट्रीज, जिसे पहले विश्वनाथ होजरी मिल्स के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय अंडरवियर कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में है। इसके प्रसाद में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के होजरी उत्पाद शामिल है। यह भारत की सबसे पुरानी अंडरवियर कंपनियों में से एक है। इसका स्थापना 1957 में हुआ था, मुख्यालय भारत में है। कर्मचारियों की संख्या लगभग यहाँ पर तो बता रहा है 3055 2023 के अनुसार। सहयोगी कंपनियां आरती मास फैशन प्राइवेट लिमिटेड और भी है, ट्रीज लिमिटेड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके पास में क्या क्या है क्या नहीं है और आगे कुछ देखिए, जैसा कि 60+ ईयर्स ऑफ लेजेसी, 2000 करोड़ टर्नओवर, 36,000+ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लाई है इसके पास। और इसका ब्रांड इस प्रकार है, लक्स कोजी ऑन लक्स कॉट्स वूल, इत्यादि। क्या क्या बनाता है यानी प्रोडक्ट किस टाइप का है, मास्टर ब्रांड कौन कौन है, लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। धन्यवाद दोस्तों।